ऐसे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पल है, ये जो क्षण है, कभी वापस लौट के नहीं आएगा। जितना भी करोड़ रुपया दे दो आप, हजार 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 रुपया दे दो, हजार हजार कीमती चीज दे दो, ये समय कभी लौट के नहीं आएगा। इसलिए मुझे कौन है वेलकम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है मंडे 29 मई 2020, ठीक है, और हम अभी चल रहे हैं अपने अपने कामों में, तो आप लोग देखते रहना आज का दिन। बहुत दिनों के बाद हम पार्लर आ गए, आके ही मतलब थ्रेडिंग करवाए। बहुत गर्मी है, देखिए कारण भी नहीं है, तो इसलिए मैं आए हैं। अभी देखते मेरा ये पार्लर फोन में बात कर रही है, मेरा थ्रेडिंग करे, मैं इसकी करूँगी अभी। पार्लर से आ गए, फिर मैं इधर खाना बना रही थी, और ये टून और मायना देखो घर में ही फील बना लिया, तो ऐसे खेलते रहते दोनों। आज मेरा नागिन बहन ड्यूटी नहीं गई है, आज छुट्टी है, तो 16 घर में रहते हैं, तो टून इसका हालत बेहाल कर देते हैं। और आज मेरे घर में कोई स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ सूजी। मुझे इतना इसका रेसिपी अच्छी तरह बनाना नहीं आता, फिर भी बनाई हूँ। इसमें काजू, घी, दूध और चीनी डाल के बनाए हो, आप लोग कैसे बनाते हो बताना इसका रेसिपी, ठीक है। मैं पहले सूजी को पहले हल्का सा फ्राई कर लिया घी के साथ, उसके बाद वहाँ पे पानी डाला, दूध डाला, चीनी डाला, काजू डाला, ऐसे इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करके इसको बनाया। तो आप लोग कैसे बनाते हो आप लोग भी पक्का बताना, ठीक है। और अभी कौन आने वाला है, आप लोग जो वीडियो पूरा देखोगे तो भी पता चलेगा। बिछड़ने के बाद जो मिलते हैं ना, वो वाला बहुत खास, बहुत स्पेशल मेहमान आने वाले हैं हमारे घर में। कौन है, कौन है यार, वेलकम 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 वेलकम, हाय, आ जाओ आ जाओ, बैठो। कैसी हो, मैं पूरा रेडी हो रखी हूँ। ये देखो भी क्यों रो रहे हो, कोई से रोटे रो रही ना, हंस रही है ये पीटम, ये रोड़ी रे हंस रही है। रो रही हो क्यों, क्या क्या हुआ बता उसमें। ये इतने सालों के बाद जैसे आई है, इस जन्म में मिले ही नहीं, ऐसे रो रहे हैं हंस हंस के। रोते है क्या, पहली बार आई है, ना? मैं सी सासु माँ हूँ, ऐसे रो, दिखा दो, मेरा वो क्या बोलते हैं, होने वाली भांजी की वो क्या, बहू, भांजी की बहू, मेरा बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ये टूटे आजा, ये छोटी बहू आई है, वो छोटी मारी दुल्हन, ये तुम्हें शादी करोगे, आजा आजा छोटी छोटी। पहली बार मायके आई है ना, रो रही है माँ को देख के, देखो कैसे रो रही है, ये देखो तो आप पसंद आ गया लड़की, मैं नहीं रोऊंगी, मैं क्यों पसंद आ गई क्या, देखो आपको मैंने दिखाई नहीं है, जाते तो भी नहीं रोई, आज आते तो रो रही है, जब विदाई हुई थी ना रोई नहीं थी, ये आज कैसे रो रहे, देखो गौर से देखो, हंस हंस के रो रही है, मैं तो सोचा ही हंसी रही है, हमारे घर में आने के लिए थैंक यू, आके ऐसे थैंक यू बोलो, आंटी को थैंक यू बोलो, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू सो मच, नमस्ते करो, और बड़ा होके आना, बहुत अच्छा हमारे घर में, ठीक है, आज मम्मी रोई ऐसे क्या बोले, आपका सासू माँ को कैसे रोई मम्मी, ठीक है, ये खुलता ही नहीं पापा, ये बहुत गंदी चीज है, खुलती नहीं, दामाद जी आ गए बगल में, दामाद जी आ गए देखो आपके, आमने सामने हर रोज देखा देखी होते थे, हम इस बिल्डिंग में, वो लोग उस बिल्डिंग में, लेकिन वो लोग इधर कंप्लीट हो गया 6 ईयर, वो लोग चले गए थे, तो बहुत दिनों के बाद मिले, वो लोग कुछ काम के लिए आए थे दिल्ली, तो हमको मिलने आए थे, इतना मतलब इमोशनल हो गया ना, क्या बताओ, बहुत अच्छा भी लगा, तो ये जो आंसू है ना, खुशी के आंसू है, फिर बाद में और मिलेंगे, भगवान करे अच्छे देखे दोनों को। आज पहली बार
पहली बार पैदल चल के हम शॉपिंग करने जा रहे हैं दोनों, क्योंकि पास में ही है। अच्छा ये बोले जो मैं टी शर्ट उसकी भी है, वरना वो तो आप डिस्कस कर देगी। अच्छा देखो टी शर्ट के चक्कर में पड़े हैं, तो पास में ही बाजार है ना, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। और मौसम देखो कितना सुहाना है, तो इस सुहाना मौसम में पैदल चल के जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो पास में ये 10 मिनट लगेगा सिर्फ, हम चलते हैं तो आप लोग देखते रहे। और मेरा नागिन आज घर में, जिस दिन घर में रहते हम दोनों कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं मतलब बाजार आइसक्रीम खाना है सर, वही काम है हमारा, आइसक्रीम खाना है, फ्रूट खरीदना है। ऐसे तो बाजार क्यों जा रहे हैं, सिर्फ फ्रूट खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो बाजार कल जाके लेके ही आए हैं नागिन है। हम चलते हैं आप लोग देखते हैं, ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अब ये देखो ऐसे ऐसे रही है, ऊपर से हम लोग नीचे आ गए हैं, और ये अभी भी मोबाइल में पता नहीं किसको मैसेज कर रहे हैं। मैं तो चेकिंग करती हूँ, ठीक है, किसके साथ बात करती है, किसके साथ मैसेज करती है, मुझे सब पता है। इसका मोबाइल का दूसरा सिम कार्ड मैं ही हूँ, पासवर्ड भी अमी दुईटाए नागिन, सॉरी हम दोनों नागिन और मैं अभी तो बाजार पहुँचे ही नहीं है, और इधर हम दोनों इतना रील बनाए ना क्या बताऊँ। और आज का मौसम इतना सुहाना है, आज के मौसम में अगर रील नहीं बनाएगा मौसम रुक जाएगा, तो ये इसका तो हुआ ही नहीं अभी तो रील बनाना, मेरा भी हुआ नहीं है, लेकिन मैं ब्लॉगिंग वाला फूल गई थी बीच में रील बनाते बनाते, तो अभी याद आ गया अभी बनाते हैं। हम ऐसे लाइफ एंजॉय करते हैं, ठीक है, ये जो पल है ये जो क्षण है कभी वापस लौट के नहीं आएगा। जितना भी करोड़ रुपया दे दो आप, हजार 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 रुपया दे दो, हजार हजार कीमती चीज दे दो, ये समय कभी लौट के नहीं आएगा। इसलिए मुझे इसलिए हम जीते हैं, बिंदास जीते हैं, हम खुद के लिए जीते हैं, खुद की जो लाइफ की ये पल है उसको सेव करने के लिए जीते हैं। तो जीना सीखो, क्या पता हम कल हो या ना हो। तो तभी निकले थे, जब हम निकले थे पूरा दिन था रील बनाने बनाते बनाते बनाते, हमारा पूरा रात हो गया। अभी बाजार पहुँचे नहीं, हम लोग सिर्फ फ्रूट लेने के लिए आए थे, बाकी सामान तो है। कल परसों गए थे बाजार, तो हम दोनों भूल गए फ्रूट लाने के लिए, तो आगे फिर से नागिन और मैं, तो पैदल चल के बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम भी बहुत सुहाना है ना। आ जाओ नागिन, हम चलते हैं अभी फ्रूट लेते हैं। और दिल्ली में ही अच्छा है फ्रूट, बहुत कम दाम में मिलता है, बहुत कम दाम में कोई भी फ्रूट आप मतलब इजीली खा सकते हो। फाइनली नागिन बहन और मैं बाजार पहुँच गई है, अभी खड़ते हैं हम लोग, क्या कह रहे बता। ये नागिन बोलते नहीं है, नागिन अंडा खरीदेगी, नाग लोग के अंडा खरीदेगी, ठीक है अभी चलते हैं सामान खरीदते हैं। आई तो थे हम लोग बाज़ार में फ्रूट खरीदने, लेकिन फ्रूट ही नहीं खरीदे, हमने साग भी खरीदे हैं। और इधर देखे इतना फ्रूट, हर प्रकार का फ्रूट अभी दिल्ली में ही अच्छा होता है, मतलब फ्रूट सस्ती में मिलता है और अच्छा अच्छा मिलता है फ्रेश फ्रेश। तो हम बाज़ार आ गए, अभी हमने लीची ली, मैंगो ली, एप्पल ली, बनाना ली, जितना भी पसंदीदा फ्रूट है हम दोनों ने ले लिया। और आते वक्त तो बहुत मज़ा आ गया था खाली खाली, अभी जाते वक्त हम दोनों पूरा थैली उठा के जा रहे हैं, इतना भारी हो जाते हैं ना। और ये बहन मुझे डांट रही है, देखो देखो लेके आए थैली भी, बैग भी लेके नहीं आए बोल के। तो इधर ये देखे साग, आसाम का जितना भी फेवरेट साग है इधर मिलता है, हम तो दोनों बहुत पसंद करते हैं साग, हमारे पसंदीदा साग भी खरीद लिया है। अभी हम दोनों चलते हैं घर और देखते रहिए आप लोग, और आज का ब्लॉग कैसा लगा भी बताना, ठीक है। अभी लास्ट टाइम में हमने खरीदा है पकौड़ा, मुझे रोड साइड के कुछ भी चीज़ नहीं पसंद करती वो खाने को, लेकिन मेरे बहन पसंद करती है, तो हमने फ्रूट भी तो पकौड़ा भी लेके आए। और आगे देखिए जो जो सामान लेके आए, और रास्ते में हमारा ठेले भी गिर गया था, बहुत भारी था, मेरे हाथ से गिर गया